स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्षा सात में विषय इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र ये वही एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र है जो आपके एग्जाम जो तेरह से होने वाले हैं उनमें ये प्रश्न आएंगे आपको ऐसे से ऐसे बिल्कुल पढ़ के जाना है ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ले पाएँ ये पूर्णांक बयालीस का है बयालीस का पेपर है इसी के साथ में हमने अन्य विषयों के भी हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं अगर आप नहीं देखें तो जरूर जाके देखें ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकें और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन नहीं किया जरूर करें ताकि जल्दी जल्दी सबसे पहले पेपर पाएँ और सबसे नम, अच्छे नंबर पाएँ प्रश्न नंबर एक है हाउ मेनी क्वेश्चन डिड द किंग हैव उत्तर हो जाएगा डी तीन क्वेश्चन पूछे थे अगला है हु आंसर द किंग्स क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा बी हरमिट अगला है हु इज़ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट द स्क्रल उत्तर हो जाएगा ए मिल्टड बॉर्स एमस्ट्रोंग चौथा है थ्री एसेज दैट मेड उत्तर हो जाएगा ट्रीज ब्लूम ट्रीज हो जाएगा उत्तर ए अगला है विच एनिमल डिड फार्मर हैव ए पैट डॉग हो जाएगा बी अगला है आई हैव डन माई होमवर्क ए हो जाएगा अगला है वॉट वॉज द नेम ऑफ बूट शॉप उत्तर हो जाएगा बी गैसल ब्रदर्स अगला है आठवा गीता इज ए होली बुक द गीता इज ए होली बुक बी हो जाए बी my work, myself, I, तो हो जाएगा उत्तर अगला है आई डू माई वर्क माई सेल्फ आई के साथ मियाँ ही आता है तो आई सी हो जाएगा उत्तर अगला है विच वर्ड हैज़ डिफरेंट साउंड उत्तर हो जाएगा ए पुट बाकी देखिए कट बट सट पुट अलग है ए हो जाएगा उत्तर अगला है सानी में दी गए शब्दों का चयन करते हुए नीचे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ग्यारहवा देखिए अपोजिट ऑफ लाइक का क्या हो जाएगा डिसलाइक द ऑफिशियल होम ऑफ किंग एंड क्वीन पैलेस अगला अ रूम इन विच फूड इज़ कुक्ड किचन अगला अपोजिट ऑफ स्मॉल बिग अ पर्सन हु टीचर स्टूडेंट टीचर अगला है ट्रू फॉल्स बताने हैं ऑल पीपुल गेव डिफरेंट आंसर ट्रू वायलन टीचर टीच इज लाली ट्रू अगला रवि गेव द बेगर इज ऑन चप्पल फॉल्स अगला द रेबल डज जस्ट अपोजिट टू द अदर पर्सन ट्रू अगला माइकल रोशन इज द राइटर ऑफ पोएम चाई ट्रू अगला है गध्यांश दिया गया है हमें पैसेज है उसमें से हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं वो करने हैं तो देखिए पैसेज आपको पढ़ना है मैं आपको प्रश्नोत्तर बता देता हूँ वेयर इज द ताजमहल ताजमहल एट आगरा आगरा है हु बिल्ड द ताजमहल द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां अगला तेईसवा वाई डज पिपुल गो टू आगरा उत्तर हो जाएगा पिपुल गो टू आगरा टू सी द ताजमहल अब है रीअरेंज करना है हमें वर्ड्स को पहला है उत्तर क्या हो जाएगा द फार्मर वेंट द फील्ड एवरीडे पच्चीसवें का उत्तर क्या हो जाएगा ही हैड ए पैड डॉग छब्बीसवें का क्या हो जाएगा द हरमिट लीव इन द वुड अब हमें ग्रिडी डॉग और लॉइन एंड द माउस में से कोई हमें कहानी लिखनी है तो देखिए मैंने कहानी लिख दी है वंस ए डॉग स्टॉल ए पीस ऑफ द फ्लैश फ्रॉम द बचर सॉप द बचर गिव हिम लॉन्ग चेज बट कुड नॉट कैच द बुचर वैंड बैक द डॉग केम अपॉन द ब्रिज ऑफ द ऑन ए स्ट्रीम द वॉटर ऑन द स्ट्रीम वॉज ए स्टिल एज ए मिररर वाइल द मिडल ऑफ द ब्रिज द डॉग लुक बिलो एंड फाउंड हिज ऑन इमेज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट इट वॉज ऑन रिफ्लेक्शन ही सेड हिम सेल्फ ही इज़ द अनाधर डॉग विद अनाधर पीस ऑफ फ्लैश इन द माउक आई आई मस्ट हैब इट ऑन इट हैब इट फॉर मी द फुलस्ट डॉग एंड ग्रिडी डॉग जम्प इन टू द स्ट्रीम विद ए लाउड बार्क द पीस ऑफ फ्लैश वॉज हैवी सो ई वेंट डाउन इन टू द स्कीन द ग्रीडी डॉग लॉज द पीस ऑफ फ्लैश इन एडिशन ही हैज़ ड्रेंच विद द वाटर इससे हमें क्या सीखने को मिलता है मॉरल क्या मिलता है डॉग ग्रिडी इज कॉज ऑफ रेन और अट्ठाईस प्रश्न क्या है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर टू डेज लीव तो देखिए एप्लीकेशन क्या हो जाएगी आपको टू द हेडमास्टर लिख देना है यहाँ हेडमास्टर स्कूल का नाम लिख देंगे सर सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा लीव एप्लीकेशन क्या लिखें रेस्पेक्टुली आई वैन टू से डेट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर कोल्ड हेड जो आपको लिखना है स्टोमक पेन फॉर लास्ट टू डेज तेईस से चौबीस तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल सो आई देर फॉर रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज एंड ऑब्लिक थैंकिंग यू योर ओबीडियटली आपको यहाँ पे नाम लिखना है और आपका रोल नंबर लिखना है और कक्षा लिखनी है इस प्रकार से आपको अपनी एप्लीकेशन पूरी करनी है तो बच्चों ये था पूरा हमारा सेशन जिसमें हमने पूरा प्रश्न पत्र किया है कक्षा सात इंग्लिश का इसी प्रकार अन्य विषयों के भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं आपने अगर नहीं देखा जरूर देखें सबसे पहले लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें धन्यवाद